सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको एकेडमी के, अगर आप तैयारी कर रहे हो या आप बीए बीएससी कंप्यूटर साइंस में हो या बीटेक के में हो, ठीक है, अगर आप इन सब में हो तो एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो यार वो क्वेश्चन है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, POP एंड OOP, ओप्स, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इन्हीं दो टॉपिक्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जो पहला डिफरेंस है यार, मैंने लिखा है, देखो इस साइड है हमारा POP और दूसरे साइड है OOP, मतलब कि ओप्स, ठीक है। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या डिफरेंस है। तो जो प्रोसीजरल का आया, जो फर्स्ट पॉइंट है, प्रोग्राम इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड फंक्शन, मतलब कि जो इसमें प्रोग्राम्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं सम पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन, ठीक है। वही दूसरी तरफ जो प्रोग्राम है, जो ओप वाला है, जो भी ऑब्जेक्ट वाला है, उसमें प्रोग्राम इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल पार्ट, ठीक है, स्मॉल पार्ट कॉल्ड ऑब्जेक्ट, मतलब कि इसमें जो प्रोग्राम होते हैं वो स्मॉल पार्ट में जो होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, वो उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमारा POP में फंक्शन होता है और इसमें हम ऑब्जेक्ट कहते हैं डिवाइड कर, ठीक है। जो इसमें जो सेकंड है POP में, वो है इट फॉलो टॉप टू डाउन अप्रोच, मतलब कि जो इसका कंपाइलर है वो टॉप टू डाउन अप्रोच से कंपाइल करता है, मतलब कि ये टॉप टू डाउन अप्रोच का फॉलो करता है। वही दूसरी तरफ ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो हमारा बॉटम टू अप अप्रोच करता है, मतलब नीचे से ऊपर की ओर अप्रोच करता है, ठीक है। वही जो तीसरा पॉइंट है, डोंट हैव एनी, मतलब कि जो इसमें POP है उसमें डोंट हैव एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब कि इसमें कोई प्रकार, किसी भी प्रकार का कोई एक्सेस स्पेसिफायर नहीं होते। वही दूसरी तरफ इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हमारे पास तीन एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, जो कि होते हैं पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब ये पब्लिक क्या है, प्राइवेट क्या है, प्रोटेक्टेड क्या है, ये किसी और वीडियो में टॉपिक, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। चौथा पॉइंट है यार हमारा कि इट इज़ लेस सिक्योर, जो इसका जो हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड होता है वो लेस सिक्योर होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो इसमें जो फोर्थ पॉइंट है वही है कि मोर सिक्योर होता है ये, ठीक है। इसमें क्यों यार मोर सिक्योर होता है, ये क्यों लेस सिक्योर होता है, बेसिकली इसमें यार जो हिडन फैसिलिटी है उसमें ये नहीं मिलता, बट जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसमें आपको ये हिडन का फैसिलिटी मिलता है। इसमें हिडन क्या होता है ये किसी और वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। वही जो डाटा कैन मूव फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन इन द सिस्टम, ठीक है। इसमें जो डाटा होते हैं वो फंक्शन टू फंक्शन सिस्टम में मूव कर सकते हैं, ठीक है। डाटा कैन मूव एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू मेंबर फंक्शन, मतलब इसमें मेंबर फंक्शन के थ्रू इसमें जो डाटा जो भी है मूव को हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका है ओवरलोडिंग नॉट पॉसिबल, इसमें ओवरलोडिंग बेसिकली फंक्शन से काफ़ी ज़्यादा डील होता है, तो इसमें ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसमें ओवरलोडिंग पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट है, इसमें ओवरलोडिंग नहीं होता, इसमें होता है। एक होता है टॉपिक यार इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड होता है उसमें इनहेरिटेंस का कोई भी फैसिलिटी नहीं होता, मतलब उसमें पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसमें इनहेरिटेंस का जो भी फैसिलिटी है वो होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और जो कुछ लैंग्वेज बात कर लें, जैसे कि सी होता है, फॉरट्रेन होता है, पास्कल होता है, तो ये सभी यार बेसिकली ETC कई सारे और होते हैं जो कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड के बेसिस पे चलते हैं। और जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है वो जैसे जावा हो गया, C++ हो गया, .NET हो गया, जैसे कई सारे लैंग्वेजेस हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सपोर्ट करता है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करता है। तो यार गाइस यही था मेरा वीडियो यार। इस वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, किसका लिंक मैं दूंगा, अपने इंस्टाग्राम का लिंक, क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया है, आप चाहे तो जो यहाँ फोटोज़ है उससे आप पढ़ सकते हो, या तो आप इस पर क्लिक करो, जब इस हाईलाइट को देखोगे यहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो अब यहाँ पर आपको उसका लिंक मिलेगा बेसिकली, तो वहाँ पर आपको इसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। बाय द वे यार यहाँ पर आकर फॉलो कर लेना, ठीक है। जल्दी इसका मैं नाम बदल दूंगा, ठीक है, क्योंकि नाम आई डोंट नो बट बदल लूँगा। यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक
ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आगे और ज़्यादा वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो।